प्राचीन काल में एक करवा नाम की महान स्त्री थी जो बहुत पवित्र थी। वो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता पत्नी करवा वहां भागी हुई चली गई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज जी से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ही करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना।